हेलो फ्रेंड, मैं रोसिना, रोसिना मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना गार्डन को और भी दे रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा गार्डन अभी कैसा है, कौन कौन सा फूल खिल रहा है। समर में बहुत सारे मेरे प्लांट ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से खराब हो गई, एक तरीके से मेरा सारा प्लांट बर्न हो गया था। अब कुछ दिन बारिश हो गई, बारिश नहीं थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से अब मेरा गार्डन हरा भरा हो गया और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं। मेरे गार्डन में मोसरोज और पर्सलेन की अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, डेरी की अच्छी भर भर के फ्लावरिंग होती है। चंपा में तो काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग हो रही है और कोचिया से मेरा गार्डन हरा भरा हो गया है, पर काफ़ी कोचिया का प्लांट भी ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से बर्न हो गई। बोगनवेली में अच्छी फ्लावरिंग हो गई थी, अब फिर से काफ़ी खिलने को तैयार हो गई है, इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। देख सकते हैं मोसरो पर्सलेन अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गुड़हल तो गर्मी में मेरी इन जितने भी गुड़हल के पौधा है उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, सारा पत्ता गिर गया था, सारा एक तरह से प्लांट भी खराब भी हो गया बहुत सारे। अब कुछ अच्छी ग्रोथ होके आ रही है, ये सारे गुड़हल मेरे बर्न हो गए थे, अब इसने अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। रेन लिली इक्कादू का फ्लावरिंग हो रही है, यदि आप लोग ने अभी तक मोसरोज और पर्सलेन की कटिंग ना लगाई हो तो तुरंत लगा दीजिए, 15 दिनों में इसकी प्लांट रेडी हो जाती है और फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट भी हो जाती है, 15-20 दिन में फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देती है। बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगली बार अगली वीडियो में मिलती हूँ। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू विजिट करते हैं, जाते जाते सब्सक्राइब का बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।